के साथ। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। इसी के चलते गंगा के जलस्तर में भी तेजी आई है। हालांकि वाराणसी में गंगा भी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है, लेकिन गंगा में बढ़ाव प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर हो रहा है, जिससे घाट किनारे बसे लोगों में आने वाले दिनों में संभावित बाढ़ को लेकर चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा पिछले 2 दिनों में लगभग 2 फीट से ज्यादा बढ़ गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते हरे शैवाल की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन अब बहकर आने वाली जलकुंभी भारी मात्रा में देखी जा सकती है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते नाविक को और घाट किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि गंगा का जलस्तर अभी चेतावनी निशान से लगभग 10 मीटर तक नीचे है, लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी जारी है उसको देखकर लोग डरे हुए हैं। लोगों का मानना है कि अगर ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता गया तो आने वाले कुछ दिनों में पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूट जाएगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को अलर्ट करके जरूरी साजो सामान को जुटाने का निर्देश दे दिया है। गंगा का जलस्तर लगभग 2 से 2.25 सेंटीमीटर डेली बढ़ रहा है और गंगा का पानी बढ़ने से घाट किनारे रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, घाट किनारे की दुकानें हैं, उन्हें बंद कराने के लिए प्रशासन द्वारा पहले से सचेत किया जाता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप अपनी दुकानों से सामान हटा लें, दुकान को अपने खाली कर दें, अपने भवन को खाली कर दें। जो घाट किनारे की भवन जल्दी डूब जाते हैं उनको प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि आप जल्दी खाली कर दीजिए। 2 से 2.25 सेंटीमीटर आगे घाटों का जो है, अपना जो घाटों का एक दूसरे से संपर्क है वो टूट जाएगा, थोड़ा सा बाढ़ का और स्तर बढ़ेगा। तो सच के साथ।